स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, जिसको देखते हुए 70 वार्डों में आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा गीले एवं सूखे कूड़ों को अलग अलग करते हुए प्रत्येक वार्डों में एकत्रित कूड़ों का वार्ड में ही निस्तारण किए जाने की योजना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कहा कि गीले एवं सूखे कूड़े को अलग अलग एकत्रित करने हेतु नगर निगम द्वारा सभी वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किए जाने की योजना में नगरवासियों का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए प्रत्येक परिवार द्वारा 50 रुपया और प्रत्येक दुकानों से 100 रुपये का यूजर चार्ज लिया जाएगा। डीएम ने नगरवासियों से अपील की है कि अपने घरों के एकत्रित गीले एवं सूखे कूड़े को हरे एवं नीले डस्टबिन में रखें तथा कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों को ही दें। डीएम ने नगरवासियों से अपील की है कि अपने घरों के एकत्रित गीले एवं सूखे कूड़े को हरे एवं नीले डस्टबिन में रखें तथा कूड़े उठाने वाले कर्मचारियों को ही दें। डीएम ने कहा कि प्रत्येक नगरवासियों का ये कर्तव्य है कि अपने शहर को साफ सुथरा रहने में अपना सहयोग दें। शहर आपका अपना है, इसे स्वच्छ और सुंदर रखने में अपनी भागीदारी निभाएं। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा, वार्डों में देखिए सूखा और गीला कूड़ा के हिसाब से अलग अलग कराने के लिए हम लोग निर्देश जारी किए हैं। अभी एक सप्ताह के अंदर आपको घर घर आकर के कलेक्ट करने के लिए व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। उसके बाद जो आपके चैनल के माध्यम से अपील करने चाहता हूँ, सभी लोग अपने घर पे सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करा करके बाहर रख लें, हम लोग निश्चित रूप से आकर के उसके लेके जाएंगे। बाहर मत फेंकिए, बाहर फेंकने में अभी हम लोग जुर्माना लगाने जा रहे हैं। एक स्थिति का सफाई रखने की जिम्मेदारी सब नागरिक का है। मैं आपसे अपील करता हूँ, कृपया करके ये शहर का साफ करने के लिए, साफ रखने के लिए हमें मदद करें और जो सूखा और गीला कूड़ा का अलग अलग निस्तारण कराने के लिए अलग अलग डब्बा में रख करके हमें दे दें, हम निश्चित रूप से आकर के घर घर आके ले लेंगे। हाँ, इसके तो हर घर में महीने में 50 रुपया की दर से हम लोग लेंगे सुविधा शुल्क, ताकि समूह माध्यम से हो रहा है। गरीब महिला का समूह हम लोग गठन किए, उन्हीं लोग आकर के घर घर लेंगे आपका कूड़ा। उन लोग का एक प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग महीने में 50 रुपया लेते हैं और दुकान कितने हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, उसको 100 रुपया के दर से लेंगे हम लोग। जनता से यही अपील करता हूँ, ये शहर हम लोग का है, आपसे यही अपील है, कृपया करके इस गोरखपुर का साफ सुथरी और रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए हमें मदद दें, ताकि 2-3 महीने के अंदर ये शहर का तो बहुत अच्छा शहर के रूप से आपको बदलाव करके देंगे। ये हमारा जिम्मेदारी है, आपका भी साथ देना होगा, बिना आपका साथ देते हुए हम लोग काम नहीं कर पाएंगे।